हाय एवरीवन एंड नमस्ते टू ऑल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिट्टू फूड लैब में। टुडे वी विल सी द रेसिपी ऑफ मेथी थेपला। फ्रेंड्स, मेथी थेपला गुजरात के फेमस क्यूजीन में से एक है। ये बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस होता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सारे सामान देख लेते हैं, क्या हमें क्या क्या लगना है इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है हमारे पास एक बोल मेथी, मेथी के भाजी। ये कटी काट ली है मैंने इसको अच्छे से। ये थोड़ी सी एक पिंच हींग लगेगी, आधा कप या आधा कटोरी दही लगेगा, 1/4 कप हमको ऑयल लगेगा इसमें। ये मैंने अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना लिया है, ये पेस्ट लगेगा। ये कुछ सूखे मसाले हैं, इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर है, ये हमारा सौंफ का पाउडर, अजवाइन, गरम मसाला, थोड़ी सी चीनी, पिंच ऑफ टर्मरिक या हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, नमक और ये कलौंजी सीड्स बोलते हैं, कलौंजी प्याज के दाने भी इनको बोला जाता है। ये नहीं है तो आप इसकी जगह तिल भी ऐड कर सकते हैं। और ये मेरे पास है भुंजा हुआ जीरा पाउडर। और मेन इंग्रेडिएंट इसका हमारा थेपले बनाने का है आटा। ये हमको होल व्हीट आटा है, आप इसमें मल्टीग्रेन आटा भी यूज कर सकते हैं। ये हमने एक बड़ी सी थाली में आटा ले लिया है। अब इस आटे में हम अपने सारे सूखे मसाले डालेंगे। तो बीच में ऐसे कैविटी जैसा कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको देखने में आसानी रहेगी। सबसे पहले हम अब इसमें अपनी मेथी डालेंगे। ये मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, उसमें मैंने ये 1 कटोरी मेथी डाली है, मेथी की भाजी। फिर इसमें मैं ये 1 छोटी कटोरी दही डालूंगी। फिर हम अपने सूखे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ये सौंफ पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, अजवाइन ऐड करेंगे और गरम मसाला ऐड करेंगे। ये 1 टीस्पून जितना हमें सारा कुछ ऐड करना है। फिर हम इसमें अपना अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, जैन जो लोग हैं वो इसको अदरक और मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें। फिर इसके बाद हम इसमें अपना हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जितनी हल्दी इसमें जाएगी। स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून इसमें जितना चीनी जाएगी, चीनी या शक्कर, और भुना हुआ जीरा पाउडर जाएगा और कुछ कलौंजी के सीड्स चाहिए। अब ये मिक्सचर हमारा, इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है आटे में, इसको सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। पानी हम उसी हिसाब से डालेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है, और थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है जिससे कि आटा गीला नहीं मरे। अभी थोड़ा मसाले अच्छे से मिल गए हैं, तो अब हम इसमें अपना 1/4 कप जितना ऑयल ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये मैं इसमें 1 टीस्पून जितना इसमें विनेगर ऐड कर रही हूँ। विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। ये मैं इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी, तो अभी इसको नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से अच्छे से हमको आटे को नीड करना है। इसमें टोटल हमारा 3 से 4 टेबलस्पून ही पानी लगा है, उससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो भी आपको बेलने में प्रॉब्लम होगा। ना बहुत स्टिफ डो बनाना है, ना बहुत ही सॉफ्ट डो बनाना है। इसकी कंसिस्टेंसी बीच के मीडियम कंसिस्टेंसी में रहेगा। डो हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। इसकी एक बार कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये आराम से टूट रहा है। ये बहुत सॉफ्ट डो भी नहीं है और बहुत हार्ड डो भी नहीं है। इसको बस हमें अभी 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख देना है।
उसके बाद हम इस थेपले बनाने के लिए एकदम ये रेडी हो जाएगा। पांच से दस मिनट हो गए फ्रेंड्स, चलिए चेक कर लेते हैं आटा। आटा हमारा एकदम रोल आउट होने के लिए तैयार है। अब हम इसके छोटे छोटे ऐसे पेड़े बना लेंगे लोई करने के लिए। इसको लोई बोलते हैं, इसको लोई कर लेंगे अच्छे से। फिर इसको हम सूखे आटे में डिप करेंगे और इसको हम ऐसे रोल आउट करना शुरू करेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, ये बीच के उस थिकनेस का होना चाहिए। इसको अच्छे से बेल लेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, ये एकदम आप इसको सफर में कभी भी कैसे भी लेके जा सकते हैं। ये हमारा रोल आउट हो गया है। अब हमने एक तवा गरम किया हुआ है, इस तवे पे हम इसको डाल देंगे। ये धीमी गैस में हमें सेकना है, ये एक साइड सेक जाए फिर इसको पलट दीजिए। गैस को थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं, ये थोड़ा सा सिक जाएगा जब, तब हम इसमें अपना एक साइड ऑयल लगाएंगे। ये थेपले आप इसको एक हफ्ते तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऑयल लगा के दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है। सुबह के नाश्ते में, रात के खाने में, लंच में आप इसे कभी भी बना सकते हैं। ये हमारा थेपला दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है और इसको अब हम निकाल लेंगे। ऐसे ही हम अपने सारे बाकी के थेपले भी सेक लेंगे। थेपला हमारा बनके एकदम रेडी है। इसको अचार, दही, सॉस किसी के साथ भी हम सर्व कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं ये। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिट्ठू फूड लैब। थैंक यू।